कोई ट्रॉफी नीचे करें सामने थोड़ा साथ हो इधर खड़े हो जो इस तरफ खड़े हो जो इमी इस तरफ ऐसे अब सामने देखो नहीं बड़ा अच्छा है क्योंकि और स्पोर्ट्स मैन हो उसको सारी स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं और पोलो ये बड़ा ज़बरदस्त खेल है, बड़ा टफ खेल है, देख के बड़ा मज़ा आता है, बड़ी एक्साइटमेंट है इसमें। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत मैंने इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। नहीं जो अभी तक ऐसा लग रहा है कि जी जिस तरह जो चीज़ कही गई थी कि जी उसको वाली उसकी शक्ल तो नज़र नहीं आई, लेकिन अभी भी यही सुन रहे हैं कि जी एक साल में दो साल में क्योंकि जी इसकी शक्ल नज़र आएगी। बहरहाल अभी उसकी कोई शक्ल नहीं है, अभी किसी भी चीज़ की सामने कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही क्योंकि जी जिस तरह की बात हुई थी वो मेरे ख्याल में अभी इस तरह का सामने कोई चीज़ नहीं है अभी। आपने कहा था कि इंग्लैंड का पासपोर्ट होना जरूरी है, तो क्या रेड पासपोर्ट जो उनके कलर है वो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी हमारे ग्रीन पासपोर्ट? नहीं नहीं, मैंने पासपोर्ट की नहीं बात की थी, मैंने कहा था कि जी ऐसे शहर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा लोगों को थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जा रही है जिसका कोई ना कोई ताल्लुक है ना इंग्लैंड से के साथ रहा हो। सो ये ज़रूर है कि जी, और मैंने इस चीज़ पे आपसे कहा भी था कि अगर आप उठा के भी देखें तो बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो 60-70% हुआ है, जो नई सिलेक्शन हुई है, तो उसका ताल्लुक इस चीज़ से था। सो तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा ट्रस्ट है ना उन लोगों पे है, बशर्ते कि जी जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। मिसबा ने दो दो में से एक ओहदा छोड़ दिया है बतौर कोच, अब वो किस तरह उनको देख रहे हैं? कि पहले तो डबल प्रेशर था, तो आप समझते हैं कि अब उससे इंसाफ कर पाएंगे? और जिस तरह माजी में रहा है हम देखते हैं चीफ सेलेक्टर और कोच के दरमियान बड़ी खिंचातानी भी होती है, तो ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि मिसबा ने ये अच्छा डिसीजन लिया है के सिलेक्शन को छोड़ दिया है, क्योंकि ये दोनों सिलेक्शन भी और कोचिंग भी दोनों फुल टाइम जॉब है। मेरे ख्याल में अब मिसबा के लिए अच्छा होगा क्योंकि जी वो एक चीज़ पे फोकस रह के काम करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बशर्त के कि उसकी एक एक टांग सिलेक्शन में होती और एक टांग उसमें होती तो मुश्किल हो रहा था। इंजमाम लोगों के पास दो दो होते हैं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आपके पास कोई होता भी नहीं है और इमामुल हक भी कॉर्नर है, ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये क्या है हो रहा है ये सारा कुछ? नहीं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी कोई ऐसी चीज़ है। मैंने अपने टाइम पर काम किया है और अगर इमाम भी अच्छा खेलेगा और सिलेक्टर्स और कोच उसको समझेंगे तो ज़रूर मौका देंगे। इंजमाम भाई, आपने कहा था कि मैं क्रिकेट के लिए खिदमत करना चाहता हूँ, जब आपने चीफ सेलेक्टर का अहदा छोड़ा था, तो अब क्या आपको क्या ऑफर होगी या इस बोर्ड के साथ आप काम करना चाहेंगे? कबूल कर लेंगे? नहीं, एक तो बात ये है कि जी ऑफर की बात है, तो जिस टाइम अगर आपने क्रिकेट के लिए काम करना तो फिर आप ये नहीं देखते कि जी कौन है। अगर आप मुझे सही लगा कि मुझे लगा कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ कोई चीज़, तो मैं इसको ज़रूर देखूँगा। थैंक यू।